शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का निवेश कीजिए और अगर पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 अलग अलग पेनी स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। चलिए चलकर बात करते हैं, अगर हमारी पेड मेंबरशिप लेनी है तो हमारी सारी ट्रेड्स आपको मिलेंगी 299 के मंथली चार्जेस पर। पिवट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आज लग रहा है सेल एंड टाटा स्टील दोनों पर थोड़ा नीचे का दबाव बना रहेगा। मेटल सेक्टर माइट बी लिटिल डाउन टुडे। अक्टूबर 7 के लिए क्या है पिवट पॉइंट्स और क्या कह रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स दोनों स्टॉक के लिए। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। देखिए ओवरऑल मार्केट माइट स्टार्ट टू शो लिटिल कंसोलिडेशन। एफआईआई का डाटा यहां पर दिखा रहा है, थोड़ा सा एग्जिट पोजीशन बनने की कोशिश करेंगे जिस तरह से यूएस के मार्केट बंद हुए। एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा हुआ है, 17,275 के आसपास। तो मेटल पर सबसे पहला इंपैक्ट आता है जब भी एफआईआई बेचते हैं, मेटल को निकलने की कोशिश करते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें टेक्निकल व्यू देखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको इस स्टॉक में इन करंट टेक्निकल लेवल पर। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें, कल बंद होते होते दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है जो कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखिए 80 से लेकर 82 तक की कैंडल की बॉडी बनी है और नीचे छोटी सी विक्स है, बहुत ही ऊपर भी छोटी सी विक्स है। ये बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल मानी जाती है और इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कारोबार किया है। इसका चैलेंज क्या है कि ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज नीचे की तरफ कर रहा है जो कि एक क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट का। तो अगर ये ऊपर चलता भी रहा तो यहां पर लग रहा है 86 से 88 के बीच में इसमें काफी रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर भी देखिए पहले पिछले दिनों से ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह से। तो आज की जो स्ट्रेटेजी होगी वो सीधे पिवट पॉइंट के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो वहां पर आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। कल का वॉल्यूम करीब 22 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए थे सेल में यहां पर। और अगर हम देखें तो सुपर ट्रेंड ने इसको बाय सिग्नल जनरेट किया। इंटरेस्टिंगली पहला स्टॉक है मेटल सेक्टर में जो बाय सिग्नल दिखा रहा है, RSI 59 जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव बुलिश भी बना रहा है। मैकडी ने भी इसको बाय सिग्नल जनरेट किया है ओवरऑल, पर क्या ये मैकडी का सिग्नल मेंटेन हो पाएगा एलिगेट इंडिकेटर के बेसिस पर? कल तीनों पैरामीटर पर इसने बाय सिग्नल दिया, टेक्निकली ये काफी अच्छे पोजिशन पर पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए। बट चैलेंज इसका आज मार्केट में नेगेटिव व्यू होना। अगर पिवट पॉइंट को देखा जाए तो 81.70 रुपए के आसपास इसका पिवट पॉइंट है, यहां से आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 80.63 रुपए का, दूसरा टारगेट 78.82 रुपए का। हमारी उम्मीद नहीं है कि ये 77 रुपए तक जाएगा, बट ये तीसरा लेवल है जो एक्सट्रीम केस में अगर मार्केट में काफी फ्री फॉल होता है तो 77.78 रुपए तक का हो सकता है इसका थर्ड सपोर्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, अगर आप ट्रेड करते हैं तो समझिए आपको लिमिटेड फंड से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओनली प्रोफेशनल्स विद एक्सपीरियंस वुड बी एबल टू मेक रेगुलर मनी इन द मार्केट। एफआईआई की बिकवाली चलेगी तो डेफिनेटली सेल एंड टाटा स्टील दोनों में गिरावट आएगी ही आएगी। दूसरा स्टॉक बात करेंगे टाटा स्टील की, आइए जरा चलकर देखते हैं क्यों यहां पर हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज चलेगा। कंसोलिडेशन फेज इतना बुरा नहीं होता है, स्टॉक जब कंटिन्यूअसली 3-4 दिन ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज या उसको कह सकते हैं स्मॉल मिनी बियर फेज आ सकता है स्टॉक में। जो लोग उसको पहले लेवल पर नहीं खरीद पाए थे अब उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी वो यहां पर। चलकर चलकर देखते हैं टेक्निकली क्या बन रहा है इसके लिए। तो टाटा स्टील एक स्टील सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर में, यहां पर हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी की कैपेसिटी है। इसने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, 101 के लेवल से 103 का लेवल काफी अच्छा मोमेंटम ट्रेड रहा कल इसका इस स्टॉक ने। यहां पर अगर आप इसका 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो टाटा स्टील ने यहां पर आज करीब करीब 105 का एक रेजिस्टेंस लगने की उम्मीद थी जो 50 डे मूविंग एवरेज है। चार्ट पर सेल ने ब्रेकआउट दिखाया है पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिखाया है, तो ये यहां से 105 का वैसे ही रेजिस्टेंस था और जिसका पिवट पॉइंट है उसके नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। आज ये पिवट पॉइंट के आसपास आपको खुल के मिलेगा। यहां पर कल वॉल्यूम देखेंगे तो करीब करीब 48 मिलियन शेयर एंड एक्शन, काफी तकड़ा वॉल्यूम होता है टाटा स्टील में कंपेयर टू सेल के। रेजिस्टेंस सुपर ट्रेंड के बेसिस पर यहां पर टाटा स्टील का अगर देखें तो वो करीब करीब 106 रुपए का है, ये अभी उससे नीचे ही और यहां से शायद रिवर्स करना शुरू करेगा। टाटा स्टील का अगर हम
मैग्डी को देखें तो मैग्डी ने अभी भी बाय सिग्नल नहीं जनरेट किया, हालांकि पिछले 5 दिनों में ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई है, तो ये एक परफेक्ट पोजीशन है यहाँ पर सेलिंग करने के लिए इंट्राडे के लेवल पर। आज का रेजिस्टेंस 103.70 रुपए का डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल यहाँ पर एलिगेटर इंडिकेटर का सेकंड पैरामीटर पर इसने रेजिस्टेंस दिखाया था। अगर पिवट पॉइंट्स की बात की जाए तो टाटा स्टील के आज के जो पिवट पॉइंट है जिन पर आपको शॉर्ट करना चाहिए वो है 103 रुपए के आसपास। 103 रुपए के आसपास शॉर्ट कीजिए, नीचे की तरफ जाएगा। सबसे पहला टारगेट 102 रुपए का, दूसरा टारगेट 100 रुपए के आसपास है। तो ये अपने चार्ट पर इस तरह से आप इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।